अब खबरें विस्तार से। लंबे समय तक सिरदर्द बने रहे और आतंक के पर्याय रहे 15 लाख रुपयों के इनामी नक्सली कुंदन पाहन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लंबे समय से पुलिस को कुंदन पाहन की तलाश थी। आतंक के पर्याय कुंदन पाहन पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रांची में डीआईजी के सम्मुख उसने सरेंडर किया। उसे डीआईजी अमोल वेणुकांत होमकर ने 15 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर भी मौजूद थे। क्या कहा कुंदन पाहन ने अपने संबोधन में, आइए सुनते हैं। हमारे पार्टी जिंदगी में जितना भी छोटी से बड़ी घटनाएं घटी है उसमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व की जगह से मैं जिम्मेदार हूँ और उस जिम्मेदारी को मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ले रहा हूँ। उसमें मुझे कोई डर नहीं, डर से नहीं, मैं आत्मग्लानी के साथ कहता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके लिए रक्षित करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आप अगर मुझे मौका देते हैं सुधारने के लिए तो मैं जरूर कोशिश करूंगा सुधारने के लिए और जनता के हित के लिए। अभी भी यदि मुझे सरकार की तरफ से कोई ऐसा योजना दिया जाए तो हम उसको लागू करने के लिए हर संभव अपनी जान को कुर्बानी दे करके भी हम लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। झारखंड विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा 18 मई को पूरे राज्य में चक्का जाम की घोषणा की गयी है। उक्त आशय की जानकारी पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन के जरिए दी है। झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चक्का जाम का आयोजन है। यह चक्का जाम में बस परिचालन, ट्रक परिचालन, टेम्पो परिचालन, मिनी बस परिचालन को हम सभी लोग बाधित करेंगे। चक्का जाम करने का मुख्य विषय यह है कि विगत दिनों जिस प्रकार गोड्डा में और झारखंड विकास मोर्चा के विधायक दल के नेता श्री प्रदीप यादव की गिरफ्तारी जिस ढंग से हुई है वह एक षड्यंत्र के तहत अडानी के सारे में, पूंजीपतियों के सारे में यह की गई है। आज वे जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं। किसानों के आवाज को दबाने के लिए, मजदूरों के आवाज को दबाने के लिए कुकृत्य किया गया। यह रघुवर की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है यह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, तानाशाही है, अहंकारी सरकार है और यह सरकार को एक मिनट भी इस झारखंड में रहने का अधिकार नहीं है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित समर कैंप का रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन बच्चों ने संगीत की धुन पर जमकर नृत्य किया। भूतनाथ मंदिर के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर साइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गया। घायल का नाम विशु है जो मानगो का रहने वाला है। किसी कार्यवश रविवार को सुनारी जाने के क्रम में उसे अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया।
स्थानीय लोगों की मदद से उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए भूत नाथ मंदिर तक एक्सीडेंट हो गया था, टेलीफोनिक सूचना मिला कि हाँ भूत नाथ मंदिर तक एक्सीडेंट कर गया है काफी। हम लोग वहाँ से निकले, तुरंत गाड़ी पर बैठाया, गाड़ी पर बैठा के एमजीएम अस्पताल आए। नाम पता अभी बता नहीं बता रहा है कि नहीं बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी फूलचंद पर गंभीर आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष क्रांति सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वे रविवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। आज सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। सिद्धगोड़ा थाना से महज 500 मीटर दूरी पे सरकारी जमीन को घेरा जा रहा है और कहीं ना कहीं सिद्धगोड़ा थाना के संरक्षण में यह सब काम हो रहा है। विरोध करने पर मेरे ऊपर चोरी का एक आपराधिक मामला, जो अरित बहुत ही ज़्यादा चरित्र के साथ खिलवाड़, मेरा चरित्र के साथ हनन किया, ऐसा आपराधिक मामला मेरे ऊपर किया गया। और दो दिनों पहले एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया और वैसे आरोपी को थाना से 10 मिनट के अंदर छोड़ दिया गया, वह भी इस राज्य के मुखिया उनके गृह क्षेत्र थाना में। यह हमारे लिए, पूरे झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस थाना प्रभारी को जल्द से जल्द निलंबन के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर 2 दिनों के अंदर थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मानगो क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा आयोजित बैठक में बुद्धिजीवी मंच का गठन किया। मानगो क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याएं और क्षेत्र के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर आयोजित बैठक में वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह की अगुवाई में बुद्धिजीवी मंच का गठन किया गया। मंच मानगो के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा और अपने सुझाव सरकार को देगा। मानगो के बुद्धिजीवियों की एक बैठक गांधी घाट में हुई थी। इसमें लोग बड़ी खेद प्रकट किया कि 17 साल से झारखंड सरकार का बना हुआ हो गया और बारी बारी से सभी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन मानगो में रोड और नाली के अलावा मानगो का कोई भी विकास नहीं हुआ है और न कोई योजना बनी। पानी और बिजली भी मिली है, वो भी समुचित नहीं मिल रहा है। मानगो में न कोई सुपर मार्केट मिला, न कोई महिलाओं के लिए विद्यालय बना, न कोई अस्पताल बना। जिस जमीन पर सैकड़ों बरस से मानगो के लोग रहते हैं उसका टैक्स सरकार लेती है, लेकिन आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिला। भाजयुमो जिला अध्यक्ष मनोज वाजपेयी को पदमुक्त करने के मामले को लेकर रविवार को दीनदयाल उपाध्याय भवन में भाजपा की एक आपात बैठक में पश्चिमी सिंहभूम के सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे। हालांकि मीडिया से कुछ भी बताने में वे परहेज करते रहे। जिला में जो भी पद पर है वो जिला अध्यक्ष की मेहरबानी पर वो पहले एकदम सीधा त्याग पत्र, सामूहिक त्याग पत्र दे और दे के सीधा पहला तो जीरो दे होना चाहिए ना। हम तो ये कहना चाहेंगे, लगता है कि हम लोग की लड़ाई को ठीक ढंग से नहीं लड़े, इसीलिए लंबी लड़ाई खींची। कोई लड़ाई इतनी लंबी तो खींचती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका 2-3 महीना घर में पिछला जो कार्य समिति शुरू हुआ था वो कार्य समिति से ये कार्य समिति आ चुका है, 2 महीना पार हो गए और अब तक इसका निराकरण नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा ना कि इसके लिए हम लोग क्या क्या किए, कहां